यहाँ पे कुछ माउंटेन्स ने एकदम अजीब तरीके से फॉर्म हुए हैं। अब ये माउंटेन्स देखो, पर बड़े बड़े पत्थर और नीचे एकदम मिट्टी, और बॉस सही में सुंदर दिख रहा है, सुंदर। यहाँ लेफ्ट साइड में माउंटेन्स का फॉर्मेशन थोड़ा अलग है। सही है यार। अभी हम जा रहे हैं द्रास, जो कि यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है, और द्रास में हम लोग देखने जाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल। तो बड़े माउंटेन्स के बीच में से एक मिट्टी की नदी बह के आई हो, वाओ। शायद ये मार्केट है, नहीं तो कोई कैंप सेट रहेगा, पता नहीं भाई। वो देख साइकिलिंग कर रहा भाई, एक नंबर भाई। भाई छोटे बच्चे गए भाई, छोटे बच्चे साइकिलिंग कर रहा था, एक नंबर भाई। अभी हमने द्रास में एंटर किया है। वेलकम यू टू द्रास, द सेकंड ओल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ये है द्रास मार्केट, पर अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बिकॉज एज पर स्केड्यूल हमें टाइम पे हर जगह पहुँचने का है। वहाँ पे गाड़ी को भूख लगी है, एक BMW एक FZ को। यहाँ पे माउंटेंस, क्या तारीफ करी यार, मतलब हर जगह जिधर जाओ ऐसा लग रहा है कि यार देखो ABC, इसको भी कैप्चर, इसको भी कैप्चर, इसका फोटो, कितना फोटो। यही ऐसा व्यू, क्या करे। मुंबई से निकले थे और अभी द्रास में पहुँचे, एक ही कोट पे फोटो इनका। चलो कारगिल। इस माउंटेन का कलर अलग, इस माउंटेन का कलर अलग, हर एक लेयर का कलर अलग है भाई। सुंदर यार, ब्यूटीफुल। माउंटेन्स के बीच में से रास्ता जा रहा है और साइड में नदी बह रही है, वाव। ऑल द बेस्ट राइडर्स, बाय। ऐसे चेयर कहते रहना चाहिए यार, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। वाव, लुक एट दिस। Guys, look at this! ये बग का जरूर नदी वाते भाई, एक नंबर यार। हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया, बहुत बड़ा पोपट हो गया। फिर भी संकेत ने बताया था कि रुको रुको रुको, पीछे गए पीछे गए। हमारा कारगिल वार मेमोरियल पीछे रह गया। अभी हम लोग 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, पीछे जा नहीं सकते, उसने बताया था हमको, बट सो हो गया ऐसे ही छोटी छोटी। अरे क्या चल रहा है, चलो ले जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कारगिल में हैं, अभी यहाँ पे हमने लंच किया, अभी देखते हैं आगे कैसे व्यूज़ रहेंगे। काय झोप लागत असेल ना, किती बरं वाटत असेल ना पणाला। झाली जब हाउ इज द जोश, अजून 190 किलोमीटर।
बीच में हम रुके किधर तो रास्ते में, व्यू देखो यार, ओह माय गॉड, अलग लेवल अलग लेवल। वो देखो क्या दिख रहा है, लद्दाख। अब ये है नामिकला पास, बीच के आगे होगा फुर्तुला पास। पास ट्रक जा रहा है एक नंबर। चलो निकलते हैं अभी, जो मेन रोड है लेका ले लद्दाख का, वहाँ पे अंदर से पहले पहुँचने का। नामिकला पास अल्टीट्यूड 12,198 feet। हाँ काट दो काट दो। 3DQ3480 सनसेट का टाइम है बस। पर अभी यहाँ पे माउंटेन्स में थोड़ा सनसेट जल्दी हो जाता है। भावा आला वाटा फुतला पास थे बग समोर। यस Fourthula top, height 13,479 feet, highest point on Srinagar Leh Road. From Kerala, 13 days से पहले निकले हैं लोग। Have a safe ride, all the best. पर तो स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, उसके पीछे स्नो है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स पे यूट्यूब पे ये सब दिखता था मुझे, पर अभी खुद देख रहा हूँ। वाह, हमें मैं थोड़ा यहाँ से वहाँ तक भाग के गया, ब्रीथिंग इशू हो गया, ठंड बढ़ गई है, ये टालना पड़ेगा। चलो चलो कम ऑन। मुझे असली लगा है दूर से, नकली है भाई। अभी यहाँ पे थोड़ा चाय ब्रेक लिया गया है, अभी ले बहुत अराउंड मोर देन 100 किलोमीटर बाकी है। हजी इस एरिया का नाम क्या है? लमायरू। और ये जो ऊपर मॉनेस्ट्री है लमायरू मॉनेस्ट्री। ओके। और वो जो ले में ना कि एक पूरा प्लेन रोड आता है, पता है आपको? एकदम सीधा रोड आता है ले में, जब भी बहुत सुबह फोटो वीडियो निकालते हो। वो कितना दूर है? वो बहुत दूर रहेगा ना, 100 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर ना। और यहाँ पे होटल वगैरह कुछ अच्छा है? हमारे पास रूम है। हाँ पर अच्छा, आपके पास भी रूम है? हाँ। और रेट क्या उसका? रेट था ना जी। हेलो। 800 एक रात का, मतलब एक रूम का? या। ओके चलेगा चलेगा। अभी वैसे हमको बहुत दूर जाने का है, इसलिए हाँ अभी ले जा रहे। तेरा नाम क्या है? कुलदन नुर्बू। कुलदन नुर्बू। ये है नामायरू मॉनेस्ट्री। अभी टाइम नहीं उतना वहाँ पे विजिट करने का इधर, इसलिए दूर से ही बस बस हो गई। आज का प्लान था ले जाने का, ले जाके स्टे करने का, पर जैसे ही फुतला पास होता है तो नीलम को थोड़ा शी वॉज नॉट स्टार्टेड फीलिंग वेल। तो जैसे ही नज़दीक ही ये जो लामेरू मॉनेस्ट्री इधर, इसके नज़दीक हमको एक होटल दिखा, सोचा वहाँ पे जाके चाय पी लेते, थोड़ा फ्रेश हो लेते, इसके बाद निकलते। बट बाद में डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ से लामेरू मॉनेस्ट्री से ले जाने के लिए टोटल अभी 4 घंटा बाकी था और रात हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि पता नहीं बीच में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा तबीयत और बिगड़ सकती है, तो कुछ कर नहीं सकते, आगे कुछ ज़्यादा स्टे वगैरह कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि लामेरू मॉनेस्ट्री की तरफ जो ये जो होटल है
इधर ही स्टे करते हैं। अभी हमारे नीचे स्टे देखा वहाँ पे, अभी सब सामान वगैरह रख के हम लोग अभी ऊपर थोड़ा चिल करने आ गए हम लोग। अभी थोड़ा टाइम क्या हुआ है, 7:30 बहुत टाइम है अपने पास। थोड़ा अभी पूरा जितना भी शूट किया कंटेंट वगैरह वो सब थोड़ा फोटो लेंगे। स्टार्स ऊपर, अभी ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं, मिल्की वे दिख रहा है। अभी मैं अपना जो वही हमेशा करता हूँ, अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह ले लूँगा स्टार्स के।